हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आपने है दी ऑल न्यू 2023 Hyundai Aura का टॉप एंड वेरिएंट। मतलब कंपनी जो भी अपने ब्रोशर में, अपने लीफलेट में जो भी चीज़ें लिखती है ना कि हमने ये फीचर डाले हैं, वो फीचर डाले हैं, सेगमेंट में सबसे पहली बार ये फीचर दे दिया आपको, तो वो सारे के सारे फीचर इसी वेरियंट में मिलते हैं, मतलब टॉप एंड में मिलते हैं। अब वो सारे फीचर लेने के लिए आपको पैसे कितने देना, सबसे पहले वही बात करते हैं भाई। ये मिल रही है आपको 8,58,000 रुपये एक्स शोरूम में। अब ऑन रोड कितने की पड़ती है, तो मैं हूं इस समय बिंदल हुंडई काशीपुर में, यहां पर ये ऑन रोड आपको पड़ जा रही है मोटा मोटा 9,80,000 रुपए की। अब आप 9,80,000 ऑन रोड एक गाड़ी पे खर्च तो कर दे रहे हो, लेकिन आपको उसमें चीजें क्या क्या मिल रही हैं, फीचर वो मिल पा रहे हैं या नहीं जो आपको प्रीमियम सा फील कराएंगे, तो भाई वो उसकी शुरुआत करते हैं अपने सामने से। सामने से देखने में आपको नया फ्रंट फेसिया इसका मिल जाता है, बंपर का डिज़ाइन पूरी तरह से चेंज कर दिया है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी झलक जो है आपको इससे ऊपर का सेगमेंट मिलता है ना प्रीमियम सा, जो एलिट i20 आती थी वो मिल जाती है, सबकी चहेती रही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेडलैम्प की बात करें तो वही पुरानी शेप के, लेकिन अंदर आपको मिल जाता है इस तरह से प्रोजेक्टर जिसके अंदर लगा हुआ हैलोजन बल्ब और अप एंड लो यही दोनों काम करता है। ये हो गया अपना इंडिकेटर यहाँ पर, और नीचे आपको इस तरह से उल्टे एल शेप में दी हुई है अपने, हमेशा जलती है, मतलब गाड़ी आएगी सामने से आपको जलते हुए दिखेंगे मस्त है इस तरह से DRL। बाकी कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक आपको दिख रहा है बम्पर का पूरा यहाँ पर, जो भी लेआउट है, ग्रिल हो उससे ऊपर छोटी सी ग्रिल हो, सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक में है। लोगो पूरा चेंज हो चुका है, मतलब पहले क्रोम में होता था, अब हो गया ये साटन से फिनिश, ठीक है। चौड़ाई अभी भी पहले की तरह है, लेकिन देखने में ज़्यादा सी लगती है। है कितनी भाई, 1680 mm पहले में मिलती थी, अभी भी है। यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जा रहा है एयर डैम्स, देख रहे हो, मतलब ऊपर के सेगमेंट में जो भी आपको फीचर्स मिलते हैं ना छोटे छोटे डिजाइनिंग से लेकर, वो इसमें आप कंपनी ने दे दिया है। ये तो हो गए फ्रंट प्रोफाइल की बात, अब आ जाती है जरा साइड वाली बातचीत। एक बार इसको बंद करें, अपने उधर से दिखाते हैं आपको कहानी पूरी। यहाँ से ये देखो, ये मिल रही है आपको वो साइड प्रोफाइल से गाड़ी, क्या बात है। लेंथ अभी भी पहले की तरह है, सब 4 मीटर है, 4 मीटर से तो ऊपर जा ही नहीं सकते। आपको मिल जाते हैं 3995 mm। व्हील बेस की बात करें, मिल जाता है आपको पहले की तरह 2450 mm। ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है आपको 165 mm का। अब अलॉय व्हील्स की बात करें तो मिलता है कुछ ये डिज़ाइन, डायमंड कट है, लेकिन आपको अब यहाँ पर मिल जा रहा है TPMS बिल्कुल। टायर में कितना प्रेशर है वो नंबर्स आपको दिखेंगे, मतलब हाई लाइन TPMS आपको मिल रहा है, आपके क्लस्टर में दिखता रहेगा। और टायर की प्रोफाइल है 175/60 R15 15 इंच के हैं। और डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है आगे दोनों व्हील में, पीछे है ड्रम ब्रेक, और केवल पहले की तरह नॉर्मल डिस्क ब्रेक नहीं मिल रही, इसमें अब आपको ABS EBD के साथ ESP भी मिल जा रहा है, जो कि बहुत सही चीज़ है, इस सेगमेंट में बहुत डिमांड हो रही थी। बाकी अपने मिरर हैं जो कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, उसके साथ इंडिकेटर भी आपको यहाँ दिया हुआ है, डोर हैंडल हो गए अपने क्रोम वाले, उसके साथ बी पिलर अपने ब्लैक्ड आउट है, टी आवाज़ आ रही है, रीज़न क्या है, मैंने डोर बंद कर दिया और चाबी मेरे पास है इसीलिए। बी पिलर ब्लैक आउट है, सी पिलर ब्लैक आउट है जो कि ग्लॉसी ब्लैक के साथ आता है। ऊपर दिख रहा है आपको शार्क फिन एंटीना, नीचे दिख रहा है फ्यूल फिलर कैप, 37 लीटर की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है इसकी। ये हो गई पूरी की पूरी प्रोफाइल। यहाँ जाएंगे पूरी तरह रियर में, रियर में इस तरह से जलते हुए, जब गाड़ी रात के समय, शाम के समय, मतलब लाइटें जब जलेंगे ना, दूर जा रही होगी, पीछे से देखोगे तो ये बड़े बड़े आपको इस तरह से जलते हुए दिखेंगे LED में। बाकी स्टॉप लैंप जब भी ब्रेक दबेगी तो ये आप दिख रहा है, ये हैलोजन बल्ब है, उसके साथ इंडिकेटर ये आपको दिख रहा है, ये भी हैलोजन है। बाकी रिवर्स लैंप आपको इस तरह दिए हुए हैं। और आ की बैजिंग, मतलब रियर पहले की तरह है, रियर में कोई भी चेंजेस नहीं है। नीचे आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, उसके साथ रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिल रहा है, स्पॉयलर यहाँ पर मिल जाता है, और ये अपना ऑरा लिखा हुआ हुंडई का लोगो, ये वैसे ही जैसा पहले बताया ना क्रोम में आता था, लेकिन अब हो चुका है ये साटन जैसे फिनिश। यहाँ देखते हो आपको डिफॉगर मिल जाता है, उसके साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप, और वो तो बताई दिया आपको शार्क फिन एंटीना। तो ये पूरी की पूरी कहानी। नीचे आपको दिख जाता है कैमरा भी ये, ठीक। तो इस तरह से सारे के सारे जो फीचर चाहिए होते हैं ना वो सब मिलेंगे भाई। ऐसी कंपनी इसके फीचर को या इस वेरिएंट को नहीं दिखाती अपनी चौड़ मारने में कि देखो हम ये भी दे रहे वो भी दे रहे, क्यों, इसमें सब कुछ डाला है कंपनी ने। अब आ जाते हैं इसके इंटीरियर पे। इंटीरियर के लिए चाहिए अपन को क्या, चाबी, चाबी है कुछ, अरे अरे मेरी गिर गई यार, भाई हुंडई है, कोई बात नहीं, नाराज मत हो है ना, वो भी नाराज होती है ना कि भाई तूने हमें जेब में रख रखा और दूसरी गाड़ियों की वीडियो बना रहा। हाँ भाई, ये है कुछ इस तरह से रिमोट, प्रीमियम सा मिल रहा है वही डार्क ब्राउन शेड में, और मस्त लगता है इसके बटन है ना मेटल जैसे। हाँ ये हो गया, और उसके साथ ये हो गया अनलॉक, और उसके साथ इसको दबा के रखेंगे बूट अपना, यहाँ से अनलॉक हो जाएगा, हाथ से ही जोर लगा के उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ पॉकेट से मत निकालो आप, बटन मत दबाओ, कितना बटन है टेंशन ही मत लो, आप इसको पॉकेट में रखे रखे ये बटन दबाओ बस। देखो इससे भी लॉक एंड लॉक, मतलब पैसिव एंट्री भी इसमें दी हुई है।
बात करें डोर ट्रिम की, तो आपको पहले की तरह ही ट्रिम मिल जाता है, ग्रेज कलर के साथ यहाँ पर आपको दिया हुआ डार्क ग्रे बिल्कुल, ब्लैक कलर के यहाँ पर आपको दिया हुआ पावर विंडोज के बटन, चारों के चारों पावर विंडो के बटन है। उसके साथ ये हो गया अपना सेंटर लॉकिंग मैनुअली करने का, और ये हो गया क्या बात है फोल्ड हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी दिया मिरर, उसके साथ एडजस्टेबल भी दिया। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, चार स्पीकर ग्रिल मिल जाती है चारों के चारों डोर में, उनमें आपके स्पीकर लगे हैं, कोई ट्विटर नहीं है इसमें। यहाँ देखते हैं तो सीट का अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, हाइट एडजस्टमेंट साथ में मिल जाता है, पहले की तरह आपको पैटर्न मिलता है मतलब फैब्रिक के साथ। यहाँ पर ऑरा लिखा हुआ, ये देखो दिख रहा है ऑरा इस तरह से अंदर लिखा हुआ, और बाकी फैब्रिक के साथ आपको लेदराइट यहाँ पर मिल जाता है। बाकी हल्का सा इसका जो शेड है ना और पैटर्न है फैब्रिक का वो चेंज करा है बस, बाकी सीट पहले की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है जरा इस पे बैठते हैं अपने और दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे। हाँ हो रही है भाई बढ़िया आगे हो रही है यार, ये तो सीट पीछे करते हैं, हाँ ये हो गया अपने हिसाब से, और इसको करते हैं जरा यहाँ पर। ओए होए होए ये है कुछ इंटीरियर, पहले भी आपको इस तरह से ये मिलता था, मतलब कॉपर जैसा कलर है, विंटेज ब्राउन जैसा कलर है जो कंपनी बोलती है इसको ना, वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये पैटर्न मिल रहा है, बाकी सबसे पहली चीज़ जो अपन ध्यान जाता है वो जाता है ये क्लस्टर पे पुश स्टार्ट बटन है, इसको दबाते हैं यहाँ से, और ये एक और बार दबाया हमने, क्या बात है ये 6 बार टिंग 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 होगी, और उसके बाद आपको दिख जाता है यहाँ पर इस तरह से क्लस्टर। क्रेटा में जैसा आता है ना नीचे के वेरिएंट्स में वो आपको दिखता है। उसके साथ ये हो गया टैको, ये हो गया स्पीडो, यहाँ दो दो सुइयाँ दे रखी है, ये है इंजन का टेम्परेचर, यहाँ पर दे रखा है आपको फ्यूल गेज, बीच में ये स्क्वायर्स ही आपको दिख रही है MID, ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती हैं, जैसे कि माइलेज हुआ, उसके साथ रेंज हुई, उसके साथ TPMS की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पर ही आपको दिखती है, बाकी टेम्परेचर फुल ओडो सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। बात करें स्टेयरिंग व्हील की, एक बार स्टेयरिंग व्हील देखते हैं, टिल्ट है और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, लेदर रैप्ड है लेकिन पूरा का पूरा, ये देखो मस्सा, और बाकी यहाँ से भी वो ख़त्म हो गया, मतलब जो होता है ना क्रोम, यहाँ पर भी वही फिनिश आ गई जैसी बाहर आपको मिलती है। हॉर्न सिंगल पोंपो हैं, बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल बहुत बढ़िया, बाकी यहाँ पर ये कंट्रोल दिए हैं जो अपनी MID है उसको कंट्रोल करने के लिए, ये कंट्रोल्स दिए हैं जो अपना म्यूजिक प्लेयर है उसके लिए, वॉइस कमांड वगैरह सब कुछ दिया, टेलीफोनी वगैरह। ठीक है एयरबैग एक दो, पहले सिर्फ दो ही मिलते थे लेकिन अब आपको इसमें 6 एयरबैग मिल रहे हैं, 2 कर्टन एयरबैग भी हैं साइड में और 2 सीट के साइड में भी एयरबैग, मतलब टोटल 6 एयरबैग अब इसमें मिल जाते हैं जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके साथ आ जाते हैं म्यूजिक प्लेयर पे, म्यूजिक प्लेयर आपको मिल रहा है जैसे मिलता था पहले। ये है कुछ क्वालिटी रिवर्स कैमरे की, बहुत बढ़िया, और वायर के थ्रू लगाओगे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों के दोनों आपको इसमें मिल जाते हैं, बाकी ग्लॉसी ब्लैक वगैरह मस्त लगता था पहले भी, अच्छा लगता है अभी भी। ये हो गया अपना हजार का टिकटॉक, एक बार इस लाइट को बंद ही कर लेते हैं, लाइट जल रही थी ना। हाँ यहाँ आ जाते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, उसके नीचे आ जाते हैं तो आपको ये देख रहे हो ये भाई चार्जर मिल रहा है, एक बार लगाता हूँ यार मेरा भाई काम तो करता है अपना फ़ोन भी, ये देखो ये हो गया ना शुरू बिल्कुल, इस तरह से आपको वायरलेस चार्जर इसमें मिल जाता है जो कि बहुत सही चीज़ है। उसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर ये मिल रहा है, अच्छा ठीक है, ये हो गया अपना चार्जिंग के लिए USB पोर्ट, ये हो गया यहाँ पर अपना टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, और ये है USB, इसमें आप लगाओगे जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले उसके लिए, बाकी मस्सा है। ये भी पूरा का पूरा नॉब जो है वो लेदर रैप्ड है, उसके साथ यहाँ पर 2 आपको दिए हुए हैं, एक बॉटल होल्डर एक कप होल्डर, उसके साथ ये सिक्का का रखने की जगह, बाकी टिप दी हुई है क्रोम की, हैंड ब्रेक, उसके साथ यहाँ पर IRVM देखते हैं जो कि डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है, यहाँ पर हो गया टिकट होल्डर, यहाँ हो गया लैंप, ये हो गया माइक, यहाँ देखेंगे तो ये हो गया मिरर, उसके साथ कुछ भी सामान वामान रखने की जगह जैसे अभी ये छोटी सी पन्नी रख दी हमने यहाँ पर, ठीक, और यहाँ देखें तो कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है आपको अच्छे खासे स्पेस के साथ, बहुत सही। ठीक है ये हो गई यहाँ पर कहानी अपनी पूरी आगे की, बाकी और कोई चीज़ नहीं बची ना, नहीं बची, चलो भाई इसको एक बार रख देते हैं यहाँ, मैं यहाँ रखने वाला था। तो भाई आप लोगों के लिए एक टिप है, जो भी अपनी इस तरह की चाबियाँ होती है ना, मतलब ऊंचे मॉडल वाली जिसमें पुश स्टार्ट बटन होता है, तो भाई इसमें भी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो निकलती है उसी से ये कनेक्ट करती है गाड़ी वाड़ी के साथ, तो भाई ऐसी चीज़ों को इस वायरलेस चार्जर पर नहीं रखते, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो एक टिप थी साथ में, ठीक है इसको अलग ही रखते हैं बिल्कुल दूर से। चलो भाई अब जरा चलते हैं रियर सीट पे, बाकी उसके नीचे एक बार दिखाऊं यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है आपको, ये देखो डेड पैडल मिल जाता है, बाकी ABC पैडल है, 3 पैडल हैं क्योंकि भाई आपको इसमें ये मैनुअल वेरिएंट है, इसमें ऑटोमेटिक भी मिल जाता है आपको जो कि AMT वेरिएंट के साथ मिलता है, ठीक, और उसके साथ ये एक और कंट्रोल है यहाँ,
ये क्या है, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल का है, बटन मिल जाता है जो पहले नहीं मिलता था। बाकी ये है अपना अप एंड डाउन हेडलैम्प लेवल को करने के लिए। अब आते हैं रियर पे, तो रियर है कुछ इस तरह से, जैसा पहले मिलता था वही डोर ट्रिम है, पावर विंडो का बटन है, नीचे बॉटल होल्डर है, और उसके साथ यहाँ आते हैं तो खिला खिला सा पूरा इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। पीछे दोनों के दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, बीच में आर्मरेस्ट है जो कि कप होल्डर के साथ है। बाकी ये हो गया अपना अंडर थाई सपोर्ट, नी रूम बहुत है, देख रहे हो कितनी जगह है। लो भाई बैठ के भी दिखा देता हूँ, कहोगे भाई ऐसी हवा हवा में, ये देखो कितना नी रूम है, मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, ठीक है, कितना नी रूम है, कितना नीचे पैर वैर रखने की जगह है, लेग रूम है। यहाँ पर आप देखो हम पे बिल्कुल ठीक है, ना ऊंचा ना नीचा, यहाँ पर दो आपको मिल जाते हैं एसी वेंट, नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल रहा है, चलो बढ़िया है। उसके साथ यहाँ पर हो गए अपने दो लैंप, अच्छा आगे भी है पीछे भी है, चलो भाई ओके रिपोर्ट है। अब चलते हैं ज़रा पीछे डिक्की में, मतलब बैठेंगे नहीं, दिखा तो दे, पहले दिखाया नहीं था ना, ओफो यहीं से खोलना पड़ेगा, यहाँ पर भी देना चाहिए डिग्गी में भी ना, डायरेक्टली हम कुछ भी दिखा सकें, यहीं से खोल सके, कोई बटन टिक करो और एकदम खुल जाए। हाँ तो ये मिल रहा है आपको पूरा का पूरा अपना बूट स्पेस, ब्लैक कलर का लाइनर के साथ 402 लीटर के अराउंड आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। ओके रिपोर्ट। यहाँ देखें इस तरह से खाली खाली सा सूना सूना वीरान वीरान सा मिल रहा है, कपड़ा लग जाना चाहिए इसमें, लैंप बिल्कुल ऊपर मil जा रहा है, और बाकी स्पेयर व्हील 14 इंची होगा, 165/70/14 जहाँ तक उम्मीद है, हाँ बिल्कुल वही आपको मिल रहा है इसमें, ठीक है। अब इसको करते हैं यहाँ पर बंद। ओके अब आती है बात इसके इंजन बे की। हाँ अब क्योंकि BS6 फेज 2 आ रहा है तो भाई इंजन को भी अपग्रेड करना था, देखने में आपको बिल्कुल पता नहीं लगता लेकिन अंदर की बात करें तो भाई RDE कंप्लाइंट है, BS6 फेज 2 में जो चाहिए रियल टाइम ड्राइविंग एमिशंस नॉर्म्स उनके लिए कंप्लाइंट इंजन है, और K1.2 मतलब 1200 cc का 4 सिलेंडर इंजन दे रखा है। पावर की बात करें अराउंड दे देता आपको 82 bhp, और टॉर्क की बात करें दे देता आपको अराउंड 114 Nm का। बाकी ABS विद EBD यूनिट आप देख रहे हो, और उसके साथ साथ अब ऐड क्या हो गया इसमें मैंने आपको बताया, ट्रैक्शन कंट्रोल बटन आपको अंदर मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको इसमें ESP भी मिल जा रहा है जो कि बहुत सही चीज़ है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सब कुछ इसमें दे रखा है कंपनी ने। ओके रिपोर्ट है। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना रिफाइंड, बहुत बढ़िया इंजन है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता इंटीरियर में बैठे हुए कैबिन में बैठ के, और इस तरह से खाली खाली दे रखा है क्योंकि पता है ना रिफाइनमेंट अच्छा है। तो भाई इस तरह से थी अपने पास नियोस नई वाली। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम है इसकी 20 की, जो कि सही है यार, दे देती हैं आज के टाइम में, मतलब वो वाला टाइम नहीं रहा कि 25 बता रहे हैं 18-17 दे रही है, ठीक से चलाते हैं जैसे कंपनी कहती है, हल्के पंजे चलाता है बंदा तो निकाल जाती है यार इतना, ठीक। तो भाई इस तरह से थी अपने पास नई वाली Hyundai Aura SXO, बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट SX ऑप्शन नाम से आता है। कीमत की बात करें दोबारा से बता दूं 858,000 रुपये एक शोरूम है, मैं उस समय बिंदल Hyundai काशीपुर में, यहाँ पर आपको पड़ रही है मोटा मोटा 980,000 रुपये की ऑन रोड। तो फीचर्स जो इसमें एड ऑन हुए हैं एक बार दोबारा से जल्दी से समराइज कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से नया नया बम्पर है, ये अपने DRL हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प हैं, उसके साथ TPMS मिल जाता है आपको, टायर वगैरह सब कुछ वही है, ठीक। उसके साथ बात करें 6 एयरबैग इसमें मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल अब इसमें मिल जाता है, उसके साथ एड ऑन देखें तो आपको इसमें अब ESP भी मिल जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिल जा रहा है, जो कि बहुत सही चीज़ है। तो सेफ्टी एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो गई हैं, उसके साथ साथ इसमें आपको RDE मतलब रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन के साथ आपको इंजन दे दिया जो कि अब BS6 फेज 2 के लिए तैयार है। तो इस तरह से ये थे चेंजेस। तो गाड़ी कैसी लगी, चेंजेस कैसे लगे बताना जरूर, आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार समेत चैनल को। जय हिंद।